आइए बच्चों, फिर से सुनाती हूँ आपको एक मजेदार कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो लाइक ना किया हो और शेयर और कमेंट ना किया हो तो ज़रूर कर दें। पहाड़ों के नीचे एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था, जिसका नाम था रमणीकपुर नगर। इस गाँव की एक खासियत ये थी कि यह सदा ही हरियाली से हरा भरा रहता था। उसी गाँव में एक परिवार रहता था, जिसका मुखिया था भोला। भोला अपनी धर्म पत्नी पुष्पा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। ये घर भोला ने एक एक पाई पाई जोड़कर बहुत ही मेहनत करके बनाया था। हाल ही में पुष्पा के ससुर जी यानी भोला के पिता का देहांत हो गया था। भोला के पिता मरते वक्त अपनी एक पुश्तैनी घड़ी भोला को सौंप कर गए थे। आज भोला बहुत परेशान था, क्योंकि उससे उसके पिताजी की पुश्तैनी घड़ी खो गई थी। ना जाने वो कहाँ रख कर भूल गया। उसने अपनी धर्मपत्नी पुष्पा से पूछा कि क्या उसने वो घड़ी देखी है, लेकिन पुष्पा ने मना कर दिया कि उसने तो नहीं देखी है। लेकिन पुष्पा ने उससे कहा कि हो सकता है कि बाहर गाय को दोहते वक्त आपने घड़ी वहीं रख दी हो और फिर आप भूल गए हो, तो कृपया करके एक बार बाहर भी चेक कर लीजिए। पुष्पा की बात सुनकर भोला घर से निकल गया और जहाँ गाय बंधी होती है वहीं पर जाकर उसने कई बार देखा। वहाँ से देखने के बाद भोला फिर से वापस घर पर आया। तब तक पुष्पा फ़ोन पर अपनी माँ से बात करने लगी और उन्हें बताने लगी कि कैसे आज भोला से उनके बाबूजी की पुश्तैनी की घड़ी कहीं गुम हो गई है। भोला वापस घर आया और उसने पुष्पा से पूछा कि क्या तुमने फिर से देखा, घड़ी कहीं मिली? पुष्पा भोला के साथ फिर से उस घड़ी की खोज में जुट गई। भोला बहुत उदास हो गया था और उदासी के मारे ज़मीन पर बैठ गया। पुष्पा से अपने पति की यह हालत नहीं देखी जा रही थी, सो उसे फिर से एक विचार आया। पुष्पा ने अपने पति से कहा कि आप ऐसे उदास मत होइए, चलिए हम चलकर खेत में देखते हैं, हो सकता है खेत में काम करते समय आपके हाथ से घड़ी फिसल कर वहीं गिर गई हो। भोला को पुष्पा की बात जच गई और दोनों चल पड़े अपने खेतों की ओर। खेत में जाकर दोनों ने इधर उधर सब जगह चेक किया, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली। अंत में भोला हताश हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। अचानक से वहाँ से एक साधु का गुजरना हुआ। साधु बाबा जब वहाँ से साधु ने पुष्पा से भोला के रोने का कारण पूछा तो पुष्पा ने उन्हें बता दिया कि भोला से उसके पिताजी की पुश्तैनी घड़ी खो गई है, इसीलिए वो उदास है। साधु भोला के पास गया और उसे ढांढस बंधाया। साधु ने भोला से कहा कि तुम परेशान मत हो और शांत दिमाग से शांति से याद करो कि तुमने घड़ी को कहाँ रखा था। भोला ने बहुत देर अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बार बार अपनी लापरवाही को याद करके वो रोए जा रहा था। साधु ने फिर से उसे ढांढस बंधाया और उसे सीख दी कि बिल्कुल भी घबराओ मत, परेशानी में हिम्मत मत हारो। विपत्ति की घड़ी में इस तरह से धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं है। तुम शांत चित्त से एक बार जाओ घर पर और पुनः तुम घर के सारे खिड़की दरवाजे और सारी शोर शराबे वाली चीज़ों से दूर हो जाना और बिल्कुल शांत चित्त होकर ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारी घड़ी ज़रूर मिल जाएगी। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। साधु की बात भोला को मानो जच गई। वो तुरंत अपनी धर्मपत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने साधु के किए अनुसार कार्य किया, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और शांत माहौल में खड़े हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से उसके कान में घड़ी की टिक 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 की आवाज़ आई। भोला के मन से मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब भोला आंखें बंद किए हुए था और घड़ी की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन पा रहा था। भोला घड़ी की आवाज़ को सुनते हुए सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ चला। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने देखा कि आरे में लांटेन के बगल में उसकी घड़ी रखी हुई है। भोला की खुशी का ठिकाना ना था। भोला ने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और अपने बाबूजी की पुश्तैनी घड़ी पाकर वो बहुत खुश हुआ। प्यारे बच्चों, कहानी हमें ये सिखाती है कि विपत्ति की घड़ी में धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि उस समय और मुसीबत ही आ जाती है। इसीलिए शांति से सब्र से काम लेना चाहिए। बाय बाय बच्चों, मिलूंगी एक अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।